गाइस तो कैसे हैं आप लोग? फ्रॉग वर्सेस नूप, एक और खतरनाक मैगरम चैलेंज रेस। कहीं से ट्रैक ही नहीं है, क्या हो रही है? कहाँ जंप लगाती मैंने? आई थिंक कुछ मसला है। तो आई थिंक जिसने भी ट्रैक बनाई है ना, आई डोंट नो क्या सोच के बनाई है, तो पागल करने के लिए बनाई है। बिकॉज यहाँ पर बिल्लियों की तरह झांक झांक करना ट्रैक देखनी पड़ रही है, तो बहुत अजीब था। मतलब ट्रैक यहाँ है और गाड़ी वहाँ रिस्पॉन हुई है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो आधा घन चक्कर करने के लिए हमें ट्रैक को इधर बनाया है, क्या बात है। बट गाड़ी रिस्पॉन होने के बाद आपको ट्रैक की तरफ लेकर जाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट ठीक है, हमने भी ढूंढ लिया, हम भी प्रो लोग हैं, ढूंढ के ही रहे। बाकी ये फ्लैग तो बड़ा ही क्यूट लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस ये फ्लैग किस कंट्री का है। आई नो बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको हंसी आ रही होगी कि दी ने कैसा सवाल कर लिया है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बहाने ढूंढती है आपकी दी आपसे कमेंट करवाने के, देखना चाहती है आप लोग कितना प्यार दिखाते हो, सपोर्ट दिखाते हो, दी के कहने के ऊपर कॉमेंट करते भी हो कि नहीं करते हो, तो तभी। और ऐसी ट्रैक रेस देखते रहते हो, कुछ लिख भी दिया करो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, ऑडियंस के लिए होता है, तो कमेंट सेक्शन को ना गाइस भर दिया करो, इतना भर दिया करो कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊं और सोचती रहूं कि पहले किसका पढ़ूं, पहले क्या पढ़ूं, तो ऐसा वाला भर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली गाड़ी डिलीवर कर दी। आई डोंट नो नुब ने किए कि नहीं किए, बिकॉज मुझे ही फर्स्ट दिखा रहे हैं जब से अब तक, और ये एक छोटी सी गाड़ी मिली और जाते साथ ही नीचे मर गई जाके। इसको कुछ सोचना चाहिए था। वेल ठीक है, अच्छा ही नीचे चले गए। अभी क्या बार बार देखनी पड़ेगी ये ट्रैक? अरे क्या हो रहा है ये, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मुझे नहीं अच्छी लग रही है ट्रैक। लेकिन गाइस ओवरऑल सच बताऊं तो ट्रैक मैगर एम ना, अगर मैं खेलने के हिसाब से बताऊं तो अच्छी है। कॉम्प्लिकेटेड है, गाड़ियों को डिलीवर करना ईजी नहीं है, नुब ने पहली गाड़ी डिलीवर करती है। बट तो ओवरऑल मैं इस ट्रैक को 4 स्टार्स तो दूंगी। आप लोग कितना स्टार्स दोगे एंड में बताना, जब आपको पता चलेगा कि कौन विन, किसने विन की है इस रेस को, और आपको क्या लगता है आसान है या मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं होता है। और ठीक है, मैंने एक बड़ी गाड़ी डिलीवर कर दी और एक छोटी गाड़ी डिलीवर कर दी, एक स्पोर्ट्स कार डिलीवर कर दी और एक ही छोटी गाड़ी डिलीवर कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बाकी बड़ी गाड़ियों का एक्सपीरियंस क्या होगा, लाइक फैंटम वेज और जो बड़े बड़े डम ट्रक्स और जो इस तरह के ट्रक्स होते हैं, अगर वो आएंगे, कोला ट्रक्स, इस तरह के ट्रक्स आएंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन होने वाला है। लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी मुश्किल है, ऐसा नहीं आसान है, बिकॉज काफ़ी सारे गैप है, आपकी गाड़ी कहीं भी रुक जाती है तो गिरेगी गिरेगी पक्का पक्का, ठीक है। तो बाकी मैं आपकी दी ने तो उसको 4 स्टार दिए हैं, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कितने स्टार दोगे, वो भी एंड में इसको देखने के बाद। तो गाइस नुब ने पहली गाड़ी डिलीवर कर दी है, तो मतलब नुब को मुश्किल तो लगा लेकिन थोड़ी देर में डिलीवर की, जैसे पहले मैंने डिलीवर की उसके बाद नुब ने डिलीवर की, और अभी ये विगलांटे मेरे पास रास्ता मुझे नहीं मालूम है किधर जाना है, यार ये तो पागलपन है। तो नुब उस तरफ जा रही है, तो आई थिंक यहाँ होगा, तो नुब सही जगह पर जा रही थी और शायद मैं ही रॉन्ग जगह पर जा रही थी। तो अभी मैं इसको तैयार करती हूँ, और ये पता नहीं क्या है, ट्रैक के ऊपर गाड़ी नहीं चल रही है। अरे कैसी ट्रैक है ये भाई, गाड़ी के टायर चिपक गए रोड के साथ, निकल। माय गॉड, धूप को ना मेरे रॉकेट की तरह निशाना लगाया, इतना जोर का कि नुब भी सोची होगी हाय मेरी गाड़ी का डेंट पेंट करके मुझे गिरा दिया, मुझे मार डाला। विकलांटे की बच्ची कभी भी सही से नहीं जाती, कभी सही नहीं जाती, मेरा सारा मूड खराब कर देती लड़क लड़क के। देख कितनी मस्त गाड़ी है तू, और इस गाड़ी का बेनिफिट्स उठाया कर, अपने नाम का, अपनी पावर का, अपने पावर को महसूस करके, तो कितनी पावरफुल है, पागल पनौतियाँ करती रहती है सारे दिन। ओके गाइस, तो बेचारे को डांट कर समझा कर डिलीवर कर दिया है, और अभी प्लेन लेकर जा रही हूँ। बाकी नुब को गिराने में ना बड़ा मज़ा आया, नुब को मैंने इतना ज़ोर से मारा और ठीक उसी टाइम पर मैंने बूस्टर मारा। मैं नुब को देख चुकी थी, उसने गाड़ी रिस्पॉन की है, और मैंने कड़क कड़क करके एक जोर से मारा है मैंने उसको, उसकी गाड़ी ये गई और वो गई नीचे, मज़ा आ गया उसे मार खा के। वैसे ना नुब को मार खाने में, वैसे गाइस कसम से मुझसे मज़ा आता है, रोज़ाना मार खाने आती है, कभी कभी जीत जाती है लेकिन रोज़ मार खाने आती है। शुक्र है कि ये गाड़ी मैं बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई हूँ। नुब वहाँ पर बंदरिया की तरह लटकी पड़ी हुई अपनी गाड़ी को लेकर, शायद नुब को ट्रैक ढूंढने में मसला हो रहा है, और जब नुब गाड़ी आगे भगड़ाती है तो गाड़ी नीचे गिर जाती है, तो ये सीन हो रहा होगा। बिकॉज आपकी दी थोड़ी सी जहीन है, लेकिन मैं भी ऐसा सोच रही होती हूँ जब गाड़ी रिस्पॉन होती है कि अब इसको किस साइड से लेकर जाऊँ, तो बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ले जाती हूँ।
और ये वाला सीन गाइस बहुत खतरनाक है, मतलब कि नीचे से जगह है आपकी गाड़ी निकलने की तो गिर सकते हैं, इसीलिए ट्रैक को मैंने फर्स्ट टाइम में बता दिया था कि थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। और इस टाइप की मैंने टू रेसी सॉल्व की हैं, बट जो वो ट्रैक्स थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल नहीं थी, मुश्किल थी बट वो अच्छी थी, इस तरह के गैप्स नहीं थे जैसे इनके अंदर गैप्स हैं, तीनों पार्टीशन अलग अलग हैं, उसमें अलग नहीं थे, मतलब हल्का पुल्का सा गैप था बट गाड़ी गिरने के चांस नहीं थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैं तो काफ़ी मुश्किल सीन होने वाला है। और होपफुली कि आगे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आएँ, अगर अच्छी गाड़ियाँ आएंगी कोऑपरेट करेंगी गाड़ियाँ हमारे साथ तो हम गाड़ियों के साथ कोऑपरेट करेंगे, गाड़ियाँ हमारी बात नहीं मानेंगी कोऑपरेट नहीं करेंगी तो गाड़ियों को पड़ेगी एक जोरदार लात खींच के मारूंगी मैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास आ गई एकदम बड़ी बड़ी गाड़ी और इस गाड़ी को ना मैं बहुत मुझे बुरी लगने लगी है क्योंकि अच्छी नहीं चलती है अक्सर मेगा रैम्स में या फेस टू फेस में तेज़ नहीं चलती, तो रेसिस के अंदर ना इन गाड़ियों का तो कोई भी काम नहीं है। ठीक है स्टाइल अच्छा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी 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 गाड़ी है और ठीक है लुक वाइज भी ओके, लेकिन मज़ा नहीं आता चलाने में बिकॉज मैं इतनी अच्छी से गाड़ी को चलाती हूँ, अच्छी गाड़ियाँ हो तो और अच्छी चलाती हूँ, और अच्छी गाड़ियाँ थोड़ी नई भी होती तो भी उनको अच्छा बना देती हैं, आपकी दी के पास आती है तो गाड़ी अच्छी हो जाती है, आपको पता है ना कि ये तमाशे इसके बहुत जहर लगते हैं। अब जिस तरीके से ये लुढ़क रही है, इतनी लंबी गाड़ी है, वेल ये ठीक तो है कि कवर कर लेगी गैप को बट डर भी लगता है कि गिर ना जाए क्योंकि ये ऊपर से थोड़ी सी पतली है तो साइड से गिर सकती है। अरे गिरदाबाद प्लीज चली जाना प्लीज, एक गाड़ी प्यारी प्यारी गाड़ी सारी पचक गई है गाड़ी, ओ माय गॉड व्हाट अ बैड बैड सीन, थैंक गॉड गाइस कितना भी पिच की है बट आ गई है ना, इस चीज़ के लिए मैं हैप्पी हूँ कि ये आ गई है वरना बहुत बुरा लगता मुझे तो। वेल फाइनली मैंने इसे डिलीवर किया और लेट्स सी नोब क्या कर रही है और कौन सी गाड़ी डिलीवर कर रही है, बिकॉज नोब यहाँ तक पहुँचने के लिए ना अब नोब को बहुत टाइम लग जाता है मेरे तक पहुँचने के लिए, बट कुछ मेगा रैम्स उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छे से काम करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चली जाती है, मुझसे आगे भी चली जाती है और काफ़ी सारी रेसिस मुझसे जीत चुकी है और अब तो बहुत बार जीत जाती है, ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हर बार ही जीतती है, ऐसा भी नहीं है। अब आपकी दी को यहाँ पर चने बेचने थोड़ी ना बैठी है, प्रो गेमर है आपकी ये दी, तो फिर आपको पता है ना कि आपकी दी को कितना मज़ा आता है हराने में और जीतने में कितना मज़ा आता है। तो मैंने जूली ट्रक को रिस्पॉन किया है ओके। तो गाइस अगर से आप लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो और नोब के साथ और मेरे साथ खेलना चाहते हो, रेसिस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें क्रू के बारे में डिटेल से बताया है, क्रू कैसे ज्वाइन करना है, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप लोग फॉलो करते हो तो जल्दी जल्दी से फॉलो करो और हमारी फैमिली बीस्ट चैलेंज क्रू का हिस्सा बन जाओ। गाइस मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ, लाइक अब तो आपकी दी थक चुकी है, जल्दी जल्दी से आ जाओ और क्रू को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ खेलो ताकि आपको पता चले कि आपकी दी जो बोल रही है वो वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं। लाइक आपको लगता होगा नुब बहुत मासूम है, नुब को मैं हरा देती हूँ, ऐसा नहीं है, मासूम नहीं है, बट आप लोग भी खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि मैं कैसा खेलती हूँ, अच्छा भी खेलती हूँ कि नहीं खेलती हूँ। और अभी तो मैंने नुब को मारा ही तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया अभी मैंने नुब को, अभी तो मैं सीधा सीधा जा रही हूँ, सीधा सीधा बस अपनी गाड़ियाँ लेकर, क्योंकि अभी तो मेरी ही बैंड बजी हुई है, मेरी ही बैंड बजी हुई है। तो चलो इस तरफ जाएंगे हम, गुड जॉब। तो गाइस देखा हमने क्या हाल हुआ इसका, ऊपर से गिरते 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 सब टूट फूट गया जो इसके ऊपर सजावट लगी हुई थी, जितना ये तैयार होके आया था अपनी पूरी तैयारी के साथ, जैसे किसी की शादी में जा रहा हो तो उस तरीके से ये वेडिंग के लिए तैयार होके आया था, बट अफसोस के सारा तोड़ दिया मैंने, तहस नहस कर दिया इसका सिंघार सारा तहस नहस हो गया इसका चोला सिंघार। ओके ड्यून भी दिया है, ड्यून के अंदर ना गाइस वैसे ड्यून अच्छा है अगर किसी भी गाड़ी को आपने पुश करना है सामने वाले प्लेयर की तो अच्छा है, लेकिन ड्यून के जो टायर्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे से हैं और मुझे नहीं लगता कि ड्यून पे छोटे टायर्स देने चाहिए थे, बट ठीक है किसी ना किसी केमिस्ट्री के हिसाब से दिए होंगे तो मैं काय बोलूँ, मैं कौन सी केमिस्ट्री की टीचर रही हूँ तो बस फजूल की फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो कि टायर्स में लगी हुई है और मुझे नहीं पता क्या सीन है, तो बस ये अच्छे नहीं है, छोटे टायर्स हैं। आपकी दी का एक्सपीरियंस है, प्रो प्लेयर है आपकी दी,
आपको पता है किस किस को लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी डी प्रो है। कमेंट सेक्शन में सच्ची सच्ची बताना, भले आपको लगता हो कि मैं प्रो नहीं हूँ तब भी आप लिख सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फीडबैक देने को लोग दे सकते हैं, और बुरे हुए तो क्या नाम नहीं होगा बुरे हुए तो नाम नहीं होगा क्या? तो कोई बात नहीं, बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी गाइस जिसके टायर ना, मुझे हंसी आ रही है देख देख करके, इतने बड़े ट्रक को इतने छोटे छोटे से टायर, इससे ज़्यादा बेटर ना छोटी छोटी गाड़ियों के होते हैं, लाइक पांटू के टायर इससे ज़्यादा बड़े होंगे और दूसरी गाड़ियों के, और एक हैवी ट्रक के ऊपर इतने कमज़ोर से टायर्स, मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ले आई इसको भाई, रुलाते रुलाते गिराते पढ़ाते पढ़ाते ले आई हूँ भाई, ले आई हूँ ले आई हूँ। ओके, बड़ा तोड़ फोड़ डाला मैंने, सुत मार डाला, इसकी फीलिंग्स आ रही होगी कि किसके हाथ में थी ये ट्रक, बार डाला सारी बेचारे की इज्जत खराब कर दी मैंने, उसको सारा थोबड़ा तोड़ दिया। तो नुब जा रही है यहाँ से गाड़ी लेकर, और डुबको में गिराने लगी थी नुब बेचारे, डर और घबराहट के मारे समझ ही नहीं पा रही थी कि मैंने करना क्या है, मैंने करना क्या है, ओके किधर है हमारे पॉइंट। तो ये मोटे डंपू, ये कहाँ से आ गया डंपू। पर गाइस जब मैंने इसको इसको लाइक इस रेस को जब मैंने क्या कहते हैं वो, इस रेस को जब मैंने बुकमार्क किया था, तो इस डंप ट्रक को देखा था मैंने, आई थिंक थंबनेल में देखा था या देखा था, बट ये डंप ट्रक मैं सोच रही थी कैसे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैगा रैम्स के अंदर डंप ट्रक लेकर जाना मुश्किल है। एक तो ये बहुत हैवी होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हैवी चीज़ बहुत ज़ोर से नीचे गिरती है, और जो हल्की चीज़ होती है वो इतना ज़ोर से नहीं गिरती है, पर वो भी फास्ट गिरती है क्योंकि हल्की होती है, जैसे हवा के झोंके की तरह उड़ जाती है। बट जो हैवी चीज़ होती है ना, वो इतनी वजनी होती है कि वो डायरेक्ट कोई सतह ढूंढती है कि बस मैं नीचे की साइड पर जाऊँ और गिर जाऊँ, तो इतनी मुझे मुश्किल हो जाएगा इस गेंडे को संभालना। गेंडा जल्दी का है, वैसे अच्छा ट्रक है गाइस ये, बुरा नहीं है। मेगा रैम्स के अंदर वैसे अपने आपको ये मतलब ग्रिप के साथ मेंटेन करवा के रखता है, वरना क्या होता है अक्सर गाड़ियाँ ना बहुत ज़ोर ज़ोर से फिसल रही होती हैं, ग्रिप अच्छी नहीं होती, तो इसकी ग्रिप अच्छी होती है और मज़ेदार है, बुरा भी नहीं है। बेचारे को मैंने कितनी बातें सुना दी, कितनी बातें सुना दी, ट्रीट तो बनती है। तो ये सारी जो बजरी इसके अंदर है ना, इसको देने के बाद इसके अंदर फुल पेट्रोल करवा देंगे, तो इसके लिए वो ड्रिंक का काम करेगा, ड्रिंक का काम करेगा, तो पार्टी हो जाएगी इसकी, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। मैं मोटे हुई, मुझे लग रहा था गाइस यहाँ से गिर जाएगा, मुझे डर लग रहा था, बट ये बच गया, और अगर ये गिर जाता तो इसका पार्टी मार मार के पार्टी बना देती, पार्टी बना देती पार्टी। तो ये डूब तो क्या कर रही है गाइस, डूब क्या कर रही थी चास को पागलों की तरह गोल 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 घुमा रही थी। आई थिंक नुब ना मुझे गाइस थोड़ी सी पागल लगती है, आप लोगों को लगता है ना कमेंट सेक्शन में बताना। अब आप बोलोगे दी कितनी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है ना, तो आप लोग जो चाहे बोल सकते हो, बता सकते हो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है हर बंदा एक जैसे सवाल करे, अलग अलग सवाल भी हो सकते हैं, अलग अलग फीडबैक भी हो सकते हैं, तो इसीलिए जो आपको बेटर लगे आप उस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो या फीडबैक दे सकते हो। और गाइस हम दोनों को प्यार और सपोर्ट देने के लिए हार्ट्स दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, वैसे मल्टीपल कलर्स के दोगे तो भी मज़ा आएगा, अच्छे लगेंगे, बिकॉज कलर्स तो कलर्स होते हैं, और कहते हैं ना ज़िंदगी में कलर्स होते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ आपको महसूस होती हैं, और जब ज़िंदगी में कलर्स नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी वीरान हो गई है, और ये मजाक नहीं है, थोड़ा सीरियस वाली बात है। गोल्फ कार्ट पागल कहीं की, तो गाइस मेरी गोल्फ कार्ट गिर गई थी, ओ मजाक कर रही हूँ, वैसे मेरे पास कोई इतना खास हुनर नहीं है मल्टीपल आवाज़ निकालने का, बस मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ तफरी और फन और इंटरटेनमेंट में, शायद बुरी भी लगती होगी मैं। ओके तो नुब मुझे नहीं पता किधर है, बट मैं गोल्फ कार्ट लेकर जा रही हूँ, पीछे से आ रही होगी तो धक्का दे सकती है, मेरी गोल्फ कार्ट को बचा लेना गॉड नुब के हाथों से, क्योंकि वो थोड़ी सी क्रैक टाइप की बंदी, और मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहती हूँ, पंगा मत लेना कालिया, पंगा मत लेना, ओह गोल्फ कार्ट फट जाएगी, मुझे डर लग रहा है ये गोल्फ कार्ट नहीं, बहुत ही जहरीली गाड़ी नुब आई है, बड़ी गाड़ी लेके आ रही थी नुब, तो
नोब तो आमिरों वाला स्टाइल मारती हुई आ रही थी, बट अमीरों वाला स्टाइल नहीं था, ऊपर से गिरते हुए आना मतलब ये अमीरों की शान के खिलाफ होता है कि हमारी गाड़ी ऊपर से ऐसे लुढ़क रही हो। हादसे के तौर पे गिर जाए तो एक अलग सा ही हो जाता है, बट आप जानबूझ के रेस कर रहे हो और गाड़ी को ऐसे लुढ़का रहे हो, ऐसा लुढ़का रहे हो, अरे रुक जा, गोल गोल घूम गई पूरी मेरी गोल्फ कार्ट। वेल आप देख सकते हो मैं कितना सफाई से लेकर आई हूँ, एक डेंट पेंट नहीं मारा, जबकि ये इतना कोई गिरी है ना, मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कितने ढीठ किस्म की गोल्फ काटती है, मतलब पक्के मटेरियल की ढीठ किस्म की। तो इतनी ही पायदार गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं सब, तो पायदार होनी चाहिए गाड़ी, हल्की भी हो बट पायदार हो, छोटी हो बट अच्छी हो, ठीक है। ऑल राइट, तो गोल्फ कार्ट को डिलीवर करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ से गोल्फ कार्ट को डिलीवर कर पाऊँगी, लेकिन कभी कभी जो मुझे नहीं लगता ना वो मैं कर लेती हूँ, बिकॉज भौंसला थोड़ा बड़ा होता है, बाकी काम खतरनाक भी हूँ बट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फील ऐसा करती हूँ कि यस मैं कर सकती हूँ, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने कहा चलो फिर ले चलते हैं अपनी गोल्फ कार्ट को, कार्ट को। ओके, जो रास्ता बना है ना ये बहुत गंदा बना है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ट्रैक का क्लू कैसे मिलेगा, कसम से कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस ट्रैक के रास्ते के ऊपर ना गाइस मैं एक और पॉइंट कट, एक और स्टार को कट करूंगी, तो मेरी तरफ से इतना सारी गाड़ियां डिलीवर करने के बाद इसके लिए ना 3 स्टार्स होने चाहिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम लगा ना, मतलब हर बार ही लगा, मुझे लगा एक दो गाड़ी में होगा बट बाद में रिस्पॉन पॉइंट चेंज हो जाएगा और सही जगह पे, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल येलो पैटर्न के अंदर समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरफ गाड़ी को डिलीवर करना है। और अगर से कोई क्रिएटर भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आप कोई ट्रैक बनाओ तो वो थोड़ी ईजी होनी चाहिए, इस तरह से कि गाड़ी आप जब लेकर आते हो रिस्पॉन करके तो आपका ट्रैक आपके सामने हो, ठीक है आप गाड़ी को टर्न करके ट्रैक की तरफ ला सकते हो, लेकिन ये जो ढूंढना होता है ना ट्रैक को हर बारी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और सेकेंडली ये गाड़ी फटाफट से रिस्पॉन हो जाए, अक्सर क्या होता है नूब की गाड़ी आ रही होती है एंड टाइम पे, बिल्कुल नूब डिलीवर करने वाली होती है और मैं रिस्पॉन करके फ्रेश गाड़ी लेकर जाती हूँ बट गाड़ी रिस्पॉन ही नहीं होती है, इतना टाइम लगा देती है कि गाड़ी से गाड़ी टकरा ही नहीं पाती, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है हल होने चाहिए, तो होपफुली कि अगर कोई क्रिएटर देख रहा है तो अब फ्यूचर में कोई ट्रैक बनाने का सोचे तो मेरे ये 2 पॉइंट्स को ज़रूर दिमाग में रखा जाए और फिर ट्रैक को क्रिएट किया जाए तो आसान हो जाएगा, मतलब वैसे आसानी नहीं चाहिए, वैसे कितनी भी मुश्किल ट्रैकों में कर लेती हूँ, इतना कोई मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना ये रास्ता ढूंढने के लिए, गाड़ी को लेकर जाओ रास्ता ढूंढो और ढूंढो, ऊपर से जो ट्रैक है ना इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी जो है ना टायर बहुत ज़्यादा लाइक चिपक रहे हैं, कुछ ऐसा वाला फील आ रहा है जैसे कि बहुत आपको फोर्स लगाकर गाड़ी को धकेलना पड़ रहा है, और ये विकलांटे चली गई है, यही पॉइंट तो मेरा जहरीला है कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगा मैं एकदम सही जाऊंगी और मैंने विकलांटे को बूस्ट मार दिया और वो विकलांटे सीधी नीचे गई है सीधी, अब ये बिल्लियों की तरह झांको, और अभी भी आप देख सकते हो गाइस मैं गलत जगह पे ही आई थी, लेकिन अब जब देखते 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 यहाँ पहुंची हूँ तो मुझे इसके अंदर ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरी तरफ से तो 3 स्टार्स हैं। आप लोग कितने स्टार्स दोगे कमेंट सेक्शन में बताना, अब क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियां मैं डिलीवर कर चुकी हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्स देने का समय आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से बता देना क्योंकि बहुत अच्छी है वैसे लुढ़कने में गाड़ी और आने जाने में अच्छा लग रहा है, मुश्किल जितनी ज़्यादा होती है आपको जितना ज़्यादा खतरा फील होता है, कंट्रोलर आपका बार बार वाइब्रेट करता है, आपको फील आता है कि यस बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट ठीक है कहीं कहीं होता है, कभी ट्रैक अच्छी होती है तो और जहाज़ को रिस्पॉन्ड करने का पॉइंट गलत होता है कभी क्या, तो छोटी छोटी होती है तो हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वही वाला सीन है, बट ये जो रास्ते वाला प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाड़ियाँ हम लेकर जाएं और हमें रास्ता ही ना मिले कि भाई जाना कहाँ है, तो फिर जल्दी जल्दी डिलीवर कैसे करेंगे, और ये क्या हो गया इसको, डुबा जाएगी, गिरा देगी। वैसे मेरे पास विग्लांटे में बूस्ट मार के उसे भी गिरा दूंगी, बट ठीक है। और ये एक मस्त सा बूस्ट मारा मैंने विगू पे, विग्लांटे पे कस के बूस्ट मारा और मेरे पास आ गया है प्लेन, और इसको टर्न करना पड़ता है कि इतना मुश्किल, बट कोई गल नहीं को लेकर जाते हैं। नो आई थिंक ट्रक लेकर आ रही होगी या कोई गाड़ी लेकर आ रही है, बिकॉज आराम आराम से उतर रही है,
और मैप पे नज़र भी आ रहा है बिकॉज पता नहीं क्या लेकर जा रही है नुब, क्या लेकर जा रही है तू? नुब ने बहरी नहीं सुनना होता, नुब को लगता है नुब बोलेगी भी तो नुब की गाड़ी गिर जाएगी, जबकि गाड़ी को आपने हैंड से कंट्रोल करना है। तो गाइस मैंने गाड़ी को रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि मैं चांस नहीं ले सकती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो फट जाए, तो इसीलिए मैं इस गाड़ी को बहुत आराम से उतारना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही रिस्पॉन्ड कर लिया कि बस गाड़ी गिरे ना और गिरकर फट ना जाए, क्योंकि ट्रैक ऐसी है एंड टाइम पे जो धोखा मिलता है ना वो धोखा आपके लिए ना काबिले बर्दाश्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा चढ़ जाता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और किस लिए हुआ, तो बस वही वाला फील आ जाता है। तो मैं पहुंचने वाली हूँ, ओके गाइस अभी भी बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। अरे कितने डब्बे हैं, कितने साथी थे, कितने लोग थे, अरे कितने डब्बे हैं, पता नहीं क्या डायलॉग था, भूल गई मैं। तो गाइस यहाँ पर चेक पॉइंट्स के बाद विनिंग फ्लैग है, अब आपकी दी को विनिंग फ्लैग वाली खुशबू आ गई थी बिकॉज क्रीगर को देखकर फील आ रहा था कि विनिंग फ्लैग आने वाला है, बट फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं, पता चले मैं बोल दूं और फिर ना आए तो बेइज्जती हो जाए। नुब लेकर जा रही है डंपो को, डंपो ए डंपो डंप ट्रक लेकर जा रही है, तो नुब भी बिल्लियों की तरह झांक रही है और ये नुब ने डंप को गिराया और ये एक कलाबाजी खाई और दूसरी कलाबाजी में DNF हो गया उसका और आपकी दी जीत चुकी है विनिंग डोज नुब के लिए, तक बहुत खुश हूँ कि मैंने कंप्लीट किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।